आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उड़ीसा पुलिस ने की कार्यवाही, वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी समिति पर नहीं मिल रही खाद, खाद न मिलने से किसान परेशान, खाद वितरण में ओवर रेटिंग का आरोप। साप्ताहिक बंदी दिवस की सूची जारी, गुरुवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन, पीएम और सीएम को संबोधित, ज्ञापन सौंपा, मांगे न पूरी होने पर करेंगे दिवसीय प्रदर्शन। प्रधान संघ जिलाध्यक्ष को जान का खतरा, रवीन कुमार सिंह ने प्रधान पर लगाई गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां राजनीतिक गलियारों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म होने के बाद अब अलग अलग पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहाँ आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से भाजपा सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियों के तहत ओबीसी वर्ग का गला घोटने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण को दरकिनार कर दिया था और मन मर्जी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, उसके ऊपर हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा जो निर्णय लिया गया और सरकार को पीछे आना पड़ा, उसके खिलाफ ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से चरणबद्ध तरीके से दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज उप राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश चंद शर्मा व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आज कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन इस आशय को सौंपा गया है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव में इनका आरोप है कि भाजपा द्वारा जो ओबीसी आरक्षण में शिथिल पैरवी की गई, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आरक्षण निरस्त किया गया है और आरक्षण दिलाए जाने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदया को सौंपा गया है। ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुँचाया जाएगा। भारत सरकार व प्रदेश सरकार किसानों के हित में किसानों को लाभ दिलाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। वहीं किसान खाद वितरण में निजी दुकानदारों के साथ सरकारी समिति पर ओवर रेटिंग का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने बताया कि सरकारी समिति पर खाद खरीदने पिछले दिनों से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिली, जिससे किसानों की गेहूं की फसल खाद के अभाव में बर्बाद हो रही है। वहीं कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि सरकारी समिति पर भी निर्धारित रेट से अधिक दामों में खाद वितरण की जा रही है। निजी दुकानदार भी ओवर रेटिंग के साथ अनावश्यक अन्य दवाओं को साथ में दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर है। कहाँ के रहने वाले? नमसा लदबुआ के। अच्छा, यहाँ पे खाद गोदाम पे आए, क्यों आए आप? गोदाम पे प्राइवेट आए, धक्के मारी कर रहे हैं, जो 550-650 दे रहे हैं, चक्कर में का कहते पब्लिक भरी है जो भज। और यहाँ कितने का मिली है खाद? यहाँ तो 270 रुपए। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हो आप खाद गोदाम पर? और तीसरी बार है जी। कितना खेत है आपका? मेरे पास अगर 1500 अभी अगले तो खाद नहीं मिल रही आपको? एक दानों ना मिलो, तीन बार है जी। क्या कह रहे हैं अधिकार? क्या कह रहे हैं? मैं तो बंजा जिससे हटकाई हमारी वो बंद कर दी है, दूसरी बांट रहे हैं। हमारी जिससे जो जमा हटकाई वो बंद कर दी है, दूसरी से बांट रहे हैं। तो आपने कुछ कहा है इनसे? क्या खून गई है हमने? तो क्या बोल रहे हैं आपको? अब तो लिस्टी लाऊंगे तो हमारी लिस्टी खत्म कर दी है। आपको अगर खाद यहाँ से नहीं मिली तो क्या करेंगे फिर? क्या करें तो हम कर भी मरी बात, तीसरी बार है ये खाद नहीं लगा खेतों में? ना बिल्कुल ना लगो, एक दाना ना लगो। साहब तीसरी बार आए, तीसरी बार वो हर बार लिस्ट बनते हैं, हर बार रह जाते हैं
और अब की बार कोई सुनवाई ना है, सब पूरी तरह से टोटल सब लोग अंधे कह चुके, पर आज भी खाली हाथ जा रहे हैं। तो आपके खेतों में खाद नहीं लगी तो फिर क्या करेंगे आप, कहाँ से लाएंगे खाद? कुछ नहीं साहब, बिना खाद के ही रखेंगे। ऊपर से नहीं आ रहा, 9 गाड़ी लग रही है, 2 गाड़ी आ रही है, जब आप किसान आ रहे हैं यहाँ 500 गाड़ी और कट्टा आ रहे हैं 800, कहाँ से मिलेगा? ये दिक्कत है सबसे बड़ी। अब ये किसान और जितनी इतना बटने के बाद में जितनी बार गाड़ी आ रही है सब यहीं पे आ रहे हैं, प्राइवेट पे कोई नहीं लेने जा रहा, वो गलत है ना, ये वो सरकार का काम है, तो उससे ज्यादा करना नहीं चाहिए, सरकार की नीति है। लेकिन फिर वहां इन्हें जैसे यहां पोजीशन करते हैं वैसी वहां वहां भी करनी चाहिए। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल भी जिले में सक्रिय होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पूर्व पीला ईंटों से एवं घटिया सामग्री से नाले का निर्माण नगर पंचायत गुनौर में कराया जा रहा था, इसी को लेकर लोगों ने विरोध किया था और डीएम से फोन के द्वारा शिकायत की थी। वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने तत्काल प्रभाव से कार्य को रुकवाया था, फिर भी नाले का निर्माण पीला ईंटों से ही कराकर ऊपर से पलस्तर करा दिया गया था और इस खबर को प्राइम टीवी इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके प्रकाशित होने के बाद तत्काल प्रभाव से डीएम ने कार्य को रुकवाने के लिए आदेश दिया, जल्दी जांच कर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। ईंट तो थोड़ी अच्छी भी है लेकिन थोड़ी पीरा में की लग रही है और 6-1 का मसाला लग रहा है। तो कस्बे में जो नाली का निर्माण हो रहा है तो कैसी ईंट लगाई जा रही है और क्या मसाले की गुणवत्ता है भैया? मसाला का तो बताना, ईंट तो बताइए, ईंट पीला है, ईंट पीला ईंट से बनाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या? वो रजिस्ट्री ऑफिस के बाद ये इन शौचालय के पास नाला निर्माण कराया जा रहा था, पब्लिक द्वारा शिकायत करी गई थी, वहाँ पे घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, डीएम सर के द्वारा भी नदी फोन के वक्त करके बताया गया था, मैंने मौके पे तुरंत काम तो बंद करवा दिया, ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया है, जेई को अवगत करा दिया गया, अब वो जाँच रिपोर्ट देंगे, घटिया सामग्री तुरंत मौके से हटवा दी गई। खबर कुशीनगर से है, जहां शिक्षा मित्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष कैलाश जायसवाल की अगुवाई में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री से संबंधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मित्रों ने बताया कि शिक्षा मित्रों को 10,000 के वेतन में जीविका चलाना मुश्किल हो गया है, अब इतने कम वेतन में गुजारा नहीं हो रहा है, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो लखनऊ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में शिक्षा मित्रों ने समायोजन की मांग की है और पूर्व में हुई गलतियों को माफ करने की याचना दी है। उन्होंने मांग की है कि वेतन अल्प दिया जा रहा है और जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए शिक्षा मित्रों की तरफ से सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज्ञापन दे रहे हैं हम कि शिक्षा मित्रों की मांग जो है पूरी की जाए, बहुत अल्प मानदेय पर जो है काम कर रहे हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, महंगाई बढ़ गई है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि शिक्षा मित्रों का समय से निस्तारण किया जाएगा, हम उनके वादे को याद दिलाने आए हैं और यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। सिद्धार्थनगर के मधवापुर चौराहे पर किसान यूनियन के लोगों ने पोखरे के भीटा पर झोपड़ी रखने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, वहीं लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिसको लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है और किसान यूनियन भारी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और किसान यूनियन के लोगों ने कहा कि 1 माह से प्रार्थना पत्र देकर थाने पर जाया जा रहा है लेकिन FIR नहीं दर्ज किया जा रहा है और मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचकर पूरी मामले की जानकारी ली और लगभग 15 मिनट तक किसान यूनियन से लोगों के से बातचीत की लेकिन किसान यूनियन के लोग संतुष्ट नहीं हुए और उपजिलाधिकारी को आना पड़ा और मामले का उपजिलाधिकारी ने निस्तारण किया। ये यहां की ऋतुरा नाम की एक महिला अध्यक्षा हैं जो संगठन की बहुत तेज तर्रार हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने मछली पालन किया है। अब जब किसी भी चीज को रखवाली करने के लिए उसे कहीं ना कहीं ठौर बनाना पड़ता है तो अस्थायी तौर पर उन्होंने एक छप्पर डाल रखा है जिसे यहाँ के कुछ तथाकथित दबंग लोगों के द्वारा उस छप्पर को हटा दिया जाता है। अरे मैं तो कहता हूँ लोगों से कि दुर्बल को न सताइए
और जाकी मोटी है और मुई खाल की श्वास से स्वार भस्म हो जाए। आने वाले समय में अगर जो दबंग बनते हैं तो निश्चित तौर पर मटिया मेट हो जाएगा, परास्त हो जाएंगे। मैं प्रशासन, जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर से ये कहना चाहूँगा कि उस गरीब महिला जो हमारे संगठन की अध्यक्षा है, उसकी रखवाली, उसकी सुरक्षा व्यवस्था हर हाल में किया जाए। अगर जो उसके साथ कहीं भी कोई ज्यादती हुआ तो सारी जिम्मेदारी यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद के ये पुलिस प्रशासन की होगी और मैं इससे आगे अगला कदम संगठन उठाने के लिए बाध्य होगा। नहीं, इसको धरना प्रदर्शन ना कहा जाए। ये हमारे किसान बंधुओं ने पंचायत अपनी की थी कुछ अपने मुद्दों को लेकर के, और एक मामला था यहाँ का स्थानीय, तो ये इन्होंने अपेक्षा की थी कि कम से कम मैं आऊँ और इनकी समस्याएँ सुनूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने कुछ अपने बिंदु नोट कराए हैं जिन पर तत्काल निराकरण की आवश्यकता थी, उनको किया गया है। शेष पर हम लोग शीघ्र काम करेंगे और इन लोगों को अवगत करा देंगे। तो जैसे धरने जैसी कोई बात नहीं थी, पंचायत थी इनकी, उसी का आयोजन हुआ। कुशीनगर में पुलिस को सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और दो अंतरजनपदीय शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाई गई पिस्टल, तमंचा और शस्त्र बरामद किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया था। अंतर जनपदीय शस्त्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनके पास से पूरी शस्त्र फैक्ट्री और भारी मात्रा में जो असलाहा और पिस्टल है, इसकी बरामदगी की है। इन दो अभियुक्तों का नाम विकास सिंह और वीर बहादुर यादव है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके पास से 3 पिस्टल, 3 तमंचे, 1 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल, 2 सैमसंग के मोबाइल और इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस और शस्त्र बनाने के जो तमाम उपकरण होते हैं वो बरामद किए गए हैं। प्रकरण में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ के थाना जानकीपुरम पुलिस और डीसीपी उत्तरी क्राइम टीम के संयुक्त टीम ने 6 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरे के पास से 1 मारुति जैन कार, 1 एंड्रॉइड मोबाइल और चोरी में इस्तेमाल चीजें बरामद की हैं। बता दें कि शातिर लुटेरे ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आज दिनांक 2/1/2023 को इस घटना का सफल अनावरण हुआ, जिसमें टोटल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इन 6 व्यक्तियों के विवरण है। पहला भानु पांडे, जो कि रहने वाला संदना जनपद सीतापुर का है। दूसरा इसका भाई रघुवीर पांडे, ये भी सीतापुर के रहने वाले हैं। सौरभ पांडे, ये तीनों सगे भाई हैं और ये तीनों संदना सीतापुर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम पांडे, सौरभ अंकित मिश्रा उर्फ बउआ और इसके अतिरिक्त नीरज कुमार उर्फ सूरज, इनकी गिरफ्तारी हुई। टोटल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के प्रधान संघ जिलाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने अपने जानमाल के खतरे की आशंका जताई है और बताया कि उन्हें खतरा पड़ोसी ग्राम सभा बरबसपुर के वर्तमान प्रधान और उनके सहयोगियों से खतरे का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि बीते लगभग 15 महीने पहले पिंटू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच्चे थे। साथ ही प्रधान संघ जिलाध्यक्ष ने अपनी वार्ता में सीओ सदर पवन कुमार त्रिवेदी पर 307 जैसी संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों को संरक्षण देने और मुकदमे की विवेचना में ढील देने की बात कही। मामला ये है कि हमारे पड़ोस के गांव बरबसपुर में वर्तमान प्रधान राम बहादुर के लड़के की रोड एक्सीडेंट में कौड़ियार चौराहे पर मृत्यु हो गई थी, जिसमें उन्होंने मेरे खिलाफ नामजद तहरीर देकर के नवाबगंज थाने में FIR करवाया था, मगर विवेचना के दौरान मेरी उसमें सम्मिलित नहीं पाया गया, जिससे मुझे क्लीन चिट दे दी गई। परंतु वे अपने लड़के की हत्या या दुर्घटना का कारण मुझे मानते हुए लगातार मेरी जानमाल को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी समय मेरे जानमाल को खतरा इनके द्वारा, इनके परिवारिक जन के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्राधिकारी सदर, जिनके पास इनके 2/2/307 की विवेचनाएँ हैं और उनकी सरपरस्ती में ये आज तक खुले घूम रहे हैं और उनका 100% संरक्षण प्राप्त है।
खबर अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर जमालपुर का है। यहां के रहने वाले जफर अहमद को उड़ीसा पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। अलीगढ़ क्षेत्र अधिकारी तृतीय शिव प्रकाश ने बताया कि 29 दिसंबर को हमारे पास उड़ीसा सेक्टर TR साहू के द्वारा अवगत कराया गया कि जफर अहमद निवासी हमदर्द नगर जमालपुर उड़ीसा में वांछित अभियुक्त है, जिसकी गिरफ्तारी करने में सहयोग दें। थाना सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल उड़ीसा पुलिस का सहयोग देते हुए जफर अहमद को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार करवाया। दिनांक 29/12/2022 को इंस्पेक्टर TR साहू UOW भुवनेश्वर उड़ीसा के द्वारा अपने अभियोग में वांछित अभियुक्त जफर अहमद निवासी गोल मार्केट हमदर्द नगर जमालपुर थाना सिविल लाइन को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ उड़ीसा लेकर गए हैं। अभियुक्त जफर अहमद के विरुद्ध जनपद अलीगढ़ में कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर मर्सिडीज गाड़ी से जानलेवा स्टंट करने वाले दो युवकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज धर्मेंद्र खोखर ने कार्रवाई करते हुए स्टंट में इस्तेमाल की गई मर्सिडीज कार को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर से पकड़कर कार्रवाई की है और गाड़ी के अंदर सवार दोनों युवकों को आगे से ऐसा न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। बता दें, नए साल के जश्न को लेकर इन युवकों के द्वारा हाईवे पर मर्सिडीज कार से जानलेवा स्टंट किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के SP अमरोहा के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई अमरोहा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई है। बीते दिनों गजरौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्टंट कर रही एक मर्सिडीज कार का वीडियो वायरल हुआ था, जिस मर्सिडीज कार का नंबर है HR26CP0095। इस कार के ओनर हैं फारूक सनाफ नौसे और इसमें स्टंट कर रहे इनके साथ में है शाहरुख सनाफ नौसे। ये दोनों ग्राम सिहाली जागीर थाना हसनपुर के निवासी हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय के आदेशानुसार उक्त गाड़ी को MBU एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है और साथ ही इन दोनों को हिदायत भी दी गई है कि आगे से ऐसी कोई भी हरकत या कोई भी स्टंटबाजी न करें। ऐसा जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में रहने वाले अगर स्टंटबाजी या ऐसी कुछ भी हरकतें करते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में आवश्यक। खबर रायबरेली से, जहां लखनऊ प्रयागराज रेलखंड मार्ग पर स्थित सवैया धनी रेलवे क्रॉसिंग पर अनियंत्रित ऑटो की टक्कर से रेलवे फाटक टूट गया। वहीं इस घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन गेटमैन ने जंजीर लगाकर आवागमन रोककर ट्रेन को पास कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची RFF ने ऑटो समेत चालक को कब्जे में ले लिया है। खबर बदायूं से है, जहां साप्ताहिक बंदी दिवस की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें गुरुवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस आदेश के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं इस आदेश का पालन कराने के लिए तहसीलदार स्तर के अधिकारी और नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद बंदी का पालन करेंगे। से है, जहां साप्ताहिक बंदी दिवस की सूची जारी की गई है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि खबर बदायूं से है, जहां साप्ताहिक बंदी दिवस की सूची जारी की गई है और अब हर सप्ताह में गुरुवार को साप्ताहिक बंदी रहेगा, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में घने कोहरे के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत 29 जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी भी दी है। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि कोई भी विद्यालय 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालयों में से 1 से 14 जनवरी तक अवकाश कर दिया गया है। वहीं विद्यालय को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं डीएम महोदय साहब से पूछना चाहूँगी कि क्या निजी स्कूलों के बच्चे और सरकारी स्कूलों के बच्चों में इम्यूनिटी पावर में क्या अंतर होता है, कि जो सरकारी स्कूलों में तो छुट्टी करवा दी गई है और निजी स्कूलों में छुट्टी नहीं हो रही है। क्या वो बच्चे ज़्यादा कुछ ऐसा एनर्जी उनके अंदर है कि जो निजी स्कूलों में छुट्टी कराने के आदेश नहीं पारित हो रहे हैं? तो बच्चे छोटे हैं और मैं चाहूँगी कि बच्चों को भी निजी स्कूल जहाँ से जैसे सरकारी स्कूलों में छुट्टी हो गई है वैसे निजी स्कूलों में भी हो जाए। प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा कंपटीशन एक पॉइंट आ जाता है, इसलिए वो अपने विद्यालय को छुट्टियां नहीं करते और ना ही समय में परिवर्तन करते हैं, जबकि मैं इसका विरोध करता हूँ। वास्तविकता ये है कि सर्दी का प्रकोप चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो चाहे वो बेसिक विद्यालय हो समान रूप से प्रभावी होता है और बच्चों के लिए विशेष करके अति शीत प्रभावी ही रहती है। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि भाई और कहूँगा भी यही कि विद्यालय का समय जो है वो 10 बजे से कम करना ही चाहिए। इससे पहले आजकल समय कोई माने नहीं रखता और ना ही पढ़ाई कोई 2 घंटे में बहुत ज़्यादा हो भी जाती है, इसलिए इन्हें निश्चित रूप से बेसिक विद्यालय के हिसाब से ही चलना चाहिए। 10 से 4 बजे तक का स्कूल सर्वोचित होता है। बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं इनके बच्चों की पढ़ाई कुछ अलग होती है और जो निजी विद्यालय हैं इनकी पढ़ाई अलग होती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जिम्मेदार हैं इसके उनको संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी छुट्टियां निर्धारित करें वो समान रूप से करें, क्योंकि जो ठंडक है वो परिषदीय स्कूल और जो निजी विद्यालय हैं इसको देखकर नहीं लगती है। कल को कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक जितने भी हैं वो सब इससे इस परेशानी से दो चार होंगे, और जो कि अभी लग रहा है कि ठंडक का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल रही, इसमें लोग 12 बजे से पहले जो इस समय पर धूप निकल रही है आप देख रहे होंगे इसमें भी ठंडक का एहसास हो रहा है, तो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे क्लास में बैठकर, ये सोचनीय विषय है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।